वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। और आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। ये ऐसा चैप्टर है, यदि हम बात करें इस चैप्टर की तो कोई भी एग्ज़ाम देखें, चाहे आपका एग्ज़ाम SSC हो, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, या आपकी बात करें व्यापम हो, पुलिस कांस्टेबल हो, SI हो, जितने भी आपके स्टेट के एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम हैं, जो भी हैं, सभी में आपका ये पार्ट जो है रैंकिंग टेस्ट का लगभग 2 से 3 मार्क्स कवर करता है। क्योंकि इसके हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक हमारा रैंकिंग टेस्ट हो गया और दूसरा है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, और ये हमारा है चैप्टर क्रम परीक्षण। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए फिर रैंकिंग टेस्ट के बारे में स्टार्ट करने से पहले इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछता है, तो उससे पहले हम थोड़ी सी इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बोलता है कि एक व्यक्ति, मान लें ए है, एक व्यक्ति को एक पंक्ति या रो में बैठाया जाए तो हमें क्या करना है, इस व्यक्ति को जो बैठा हुआ है इसकी पोजीशन या तो हमें लेफ्ट से बताना है या तो राइट से बताना है। दूसरी चीज, पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, यह आपसे पूछ सकता है, या उसकी लेफ्ट या राइट से क्या पूछ सकता है, पोजीशन पूछ सकता है कि वो किस पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए एक पंक्ति में इस तरीके से 7 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, 7 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मान लीजिए हमने 6 कैंडिडेट ले लिए। कितने कैंडिडेट ले लिए, 6। अब यहाँ पे यदि हम बात करें इस व्यक्ति की, ये जो व्यक्ति है तो ये उसका ये कहला जाएगा लेफ्ट साइड से काउंट करना, और ये उसका कहला जाएगा राइट साइड से काउंट करना, मतलब ये लेफ्ट और ये आपका राइट। तो यदि मैं देखो इस व्यक्ति को काउंट करूं, और इस व्यक्ति को कहां से काउंट करूं, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से देखेंगे तो किस पोजीशन पर आ रहा है दोस्तों, ये आपका आ रहा है 4th नंबर पर। और यदि मैं इसकी राइट साइड से पोजीशन देखूं तो राइट साइड से ये आ रहा है आपका 7, चौथी, 3rd नंबर पर। कितने नंबर पर आ रहा है, 3rd नंबर पर, ठीक है। तो लेफ्ट से पोजीशन पर वो 4th नंबर पर है, और राइट से पोजीशन पर वो किस नंबर पर है, 3rd नंबर पर है। और टोटल जो हमारे कैंडिडेट थे, वो टोटल कैंडिडेट कितने थे हमारे पास, 6, है ना। तो अब यहाँ पे चूंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि पंक्ति में 6 कैंडिडेट थे, लेफ्ट से पोजीशन 4th नंबर पर, राइट से पोजीशन 3rd नंबर पर है, तो इन्हीं तीनों चीज़ों को हमें क्या करना है, निकालना सीखना है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करें तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे मान लो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक पंक्ति में कुल 6 व्यक्ति हैं और उसकी लेफ्ट से पोजीशन 4th है, तो राइट की पोजीशन से क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा कि एक पंक्ति में ए का पोजीशन, मान लेते व्यक्ति ए है, इसकी लेफ्ट से पोजीशन 4th नंबर पर है, राइट से पोजीशन 3rd नंबर पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन करेगा। तो इसमें क्या करेगा, यदि हमें कुल व्यक्ति निकालना है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखें, तो देखें वो ट्रिक बनी कैसे। तो यदि हम इसमें कुल पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालें तो आपको देखें लेफ्ट से पोजीशन दी है 4 और राइट से पोजीशन दी है 3, तो टोटल कितना आएगा आपका, 7 आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर 7 नहीं होगा। 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे एक ही व्यक्ति को दोनों साइड से क्या किया है, काउंट किया है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, -1, और इस तरीके से हमारा आंसर कितना आएगा, 6। और देख लो हमारे पास कुल कितने पंक्ति में व्यक्ति थे, 6, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और -1 कर देना है। तो इसकी जो ट्रिक बनेगी, ये आपकी पोजीशन थी लेफ्ट से, ये पोजीशन थी आपकी राइट से, और -1 बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या, ये हमारी क्या है, ट्रिक है।
तो इस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर एक एक करके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक पंक्ति में ए का स्थान, यानी कि जो आपका ए है उसका स्थान ऊपर से मतलब कि टॉप से कितना है, 14 है, और बॉटम यानी कि नीचे से कितना है आपका, 28 है। तो बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें भाई, टॉप या बॉटम जो दिया है ऊपर नीचे, इसको हम लेफ्ट राइट भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हमारा जो ट्रिक था वही लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 14 प्लस 28 माइनस वन, तो टोटल हो गया आपका 42 माइनस वन यानी कि 41। तो उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, 41 छात्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ही आसान तरीके से, इजी है, और ये कंपटीशन में क्या है, पूछा जाता है। चले इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर ए का नंबर 11वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो अब देखो, इसे चाहे हम लेफ्ट से काउंट करें तो भी 11वें नंबर पर है, और राइट से काउंट करें तो भी कितने नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। दोनों साइड से कंप्लीट करना, मतलब ये क्या बैठी, बीच में बैठी हुई है लड़की। तो अब हमें बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 22, और माइनस वन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 21। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एक कक्षा में जितने छात्रों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें से अनुज का स्थान ऊपर से 14 और नीचे से 28वां है। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हुए हों तो कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे, जल्दी से फास्ट इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दें। जो आपका लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है उस पर आप इसका आंसर कमेंट करें कि कितना आएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि जितने छात्र उसमें, उसका क्रम ऊपर से 14 और नीचे से क्या है, 28 है। तो 14 और 28 दोनों से हम यदि हम निकालें, तो हमें पहले निकाल लेना कि पास होने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो हम टोटल निकालेंगे, तो 14 प्लस 28 माइनस 1, तो टोटल आपका कितना आ गया, 41 छात्र आ गए। कितने आ गए, 41 छात्र। ये कुल किन की संख्या है, जो आपके उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि पास हुए हैं। और इसमें कह रहा है कि 16 बच्चे क्या हो गए, 16 बच्चे फेल हो गए यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए। तो हमें बताना है कुल परीक्षा में कितने छात्र बैठे, तो आपका ये हो जाएगा टोटल कितना, 57। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि छात्रों की एक पंक्ति में अजय दाएं से 18वें स्थान पर है, यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं तो अजय का बाएं से कौन सा स्थान होगा। देखिए सारे क्वेश्चन में एक एक टाइप के करा रहा हूँ कि जिससे आपका कम समय में पूरा चैप्टर हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
कि छात्रों की एक पंक्ति में अजय का दाएं से मतलब कि राइट से पोजीशन दी है 18वीं, और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति हैं 50, तो उसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या करनी है आपको बतानी है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हमारा रहेगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ पे हमें दिया है 50 और यहाँ से आपका 18, सॉरी लेफ्ट से तो निकालना है, राइट से दिया है 18 माइनस 1, तो इसे हम निकालेंगे लेफ्ट से पोजीशन, तो ये आपका हो जाएगा 17, ये इस साइड आएगा तो माइनस का, तो 50 माइनस 17 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 33 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चले इसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का लगभग मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, और इनको आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे कि जब व्यक्ति अपनी पोजीशन एक दूसरे से क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, तब हमें बताना है कि उस व्यक्ति का नया स्थान क्या होगा। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन देखें आप, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 22वां है तथा राजू का स्थान दाएं से 24वां है। यदि दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं तो ज्ञात कीजिए पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं। ये आपका सेकेंड टाइप है। तो पहले तो हम अधिकतम और न्यूनतम व्यक्ति निकालना सीखेंगे, और फिर हम इसी में सीखेंगे कि पोजीशन उसकी क्या होगी। तो देखें, न्यूनतम और अधिकतम व्यक्तियों के लिए हम संख्या, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अधिकतम छात्रों की संख्या। किसकी निकाल लेते हैं, अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखें कि भाई एक ये पंक्ति है, पंक्ति में यदि हम बात करें लेफ्ट से पोजीशन किसकी दी है हमें, लेफ्ट से पोजीशन दी है सचिन की। तो सचिन लेफ्ट मान लेते हैं यहाँ कहीं बैठा हुआ है, सचिन क्या है यहाँ कहीं बैठा हुआ है, तो इसका यहाँ से पोजीशन क्या है, 22वां है। और राजू का स्थान दाएं से 24वां है, तो मान लेते हैं वो आपका कहाँ बैठा होगा, यहाँ कहीं बैठा होगा, ठीक है। और कह रहा है दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, ये हमें निकालना है मैक्सिमम, इसलिए हमने इसको कहाँ बैठाया है, उसके सचिन के राइट साइड में। तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम छात्रों की संख्या बतानी है, तो हम इसे क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, 22 प्लस 24 प्लस 4, तो टोटल आपका हो जाएगा 50, टोटल कितना हो जाएगा 50, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हमें बताना है न्यूनतम छात्रों की संख्या, तो मैक्सिमम तो आपका कितना हो गया 50, अब न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, न्यूनतम के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि मैक्सिमम तो हमने बैठा दिए। तो मान लेते हैं सचिन यहाँ कहीं बैठा हुआ है और इसकी पोजीशन यहाँ से कितनी है, 22 है। अब हमें बताना है मिनिमम, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा राजू है, ठीक है, राजू को हम कहाँ बैठा दें, राजू को हम बैठा देते हैं इसके लेफ्ट साइड पे, यहाँ कहीं पे हम किसको बैठा देते हैं, राजू को, और इसकी पोजीशन यहाँ से दे देते हैं कितनी, 24। और बीच में कितने हैं, 4 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे आप देखें, हम इसे क्या करते हैं, इस कैंडिडेट की हम लेफ्ट से पोजीशन बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, भाई यहाँ से तो ये 22वें नंबर पर है, तो यदि हम इसकी पोजीशन निकालें तो देखो ये किस पोजीशन पर आएगा, 21, 20, 19, 18 और ये 17, किस पोजीशन पर आएगा, 17 पोजीशन पर आएगा, और वो भी कहाँ से, लेफ्ट से, क्योंकि ये 22वें नंबर पर तो बैठा हुआ है, तो ये 21वां हो गया इसका, ये 20, ये 19, ये 18 और ये 17 हो गया। तो अब देखो, हमें सचिन की पोजीशन लेफ्ट और राइट से पता चल गई, किसकी पोजीशन, सॉरी राजू की पोजीशन, राजू की पोजीशन हमें लेफ्ट और राइट दोनों से क्या हो गई,
पता चल गई। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हम क्या करेंगे 24 + 17 - 1, तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40, तो न्यूनतम छात्र आपके कितने हो जाएंगे 40, ठीक है। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसे देखें, सेम क्वेश्चन है केवल इसमें क्या है वैल्यू चेंज है। इसमें आपको दी है सचिन की लेफ्ट से पोजीशन दी है 27 और राजू की राइट से दी है 35, 35 और दोनों के बीच में 7 व्यक्ति हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम छात्रों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ पास, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम। क्या निकाल लेते हैं? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये एक पंक्ति है, यहाँ पे हमारा सचिन बैठेगा और यहाँ पे राजू। तो सचिन का पोजीशन क्या दिया है यहाँ से 27 और इसके दिया है 35 और दोनों के बीच में कितने हैं 7 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने कैंडिडेट हैं 7 कैंडिडेट हैं। तो हमें यहाँ पे पोजीशन बताना है इसके मैक्सिमम छात्र कितने होंगे, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे सभी को ऐड कर देंगे 27 + 35 + 7 34 हो जाएगा और ये आपका टोटल छात्र आ जाएंगे कितना 69, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं इसमें क्या मिनिमम छात्रों की संख्या। तो मिनिमम छात्रों की संख्या के लिए फिर से देखें, ये पंक्ति है सचिन यहाँ कहीं बैठा हुआ है और सचिन की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 27। अब राजू को हम क्या बैठा देते हैं इसके राइट में लेफ्ट में बैठा देते हैं, तो राजू को मान लेते हैं यहाँ कहीं बैठा हुआ है और उसकी यहाँ से पोजीशन कितनी दी है, यहाँ से पोजीशन उसकी दी है 35 और बीच में कितने कैंडिडेट हैं 7 कैंडिडेट हैं, ये आपके 7 कैंडिडेट हो गए। अब यहाँ से यदि हम इसकी पोजीशन निकालें लेफ्ट से, किसकी सचिन की, तो भाई लेफ्ट से ये 27 नंबर पर है तो मतलब ये उससे पहले होगा, तो देखो 27 था ये 26, ये 25, 24, 23, 22, 21, 20 और ये क्या हो जाएगा 19, मतलब लेफ्ट से राजू की पोजीशन कितनी हो गई 19। अब आपको बताना है मिनिमम छात्र, तो कुल पंक्ति में कितने छात्र हैं ये निकाल लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है, लेफ्ट राइट से पोजीशन 35, लेफ्ट से 19 माइनस 1 करोगे तो कुल आपके छात्रों की संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका जो आएगा 53 आएगा, कितना आएगा 53, आंसर कितना आएगा 53, ये आपका 53 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया आपको, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो चले फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइप देखें जब व्यक्ति अपने स्थान, क्या कहते दो व्यक्ति अपने स्थान को अदल बदल लेते हैं, तो चले इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो सर इस टाइप का पहला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर, हाँ चलिए। क्वेश्चन कहता है कि एक पंक्ति में राज का स्थान बाएं सिरे से 18वां है तथा कमल का स्थान दाएं सिरे से 22वां है, जब वे आपस में स्थान बदलते हैं तो राज का स्थान बाएं सिरे से 24वां हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए। आपको तीन पॉइंट दिख रहे होंगे, पहला कमल का दाएं सिरे से नया स्थान क्या है, दूसरा दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं और तीसरा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इसमें आपके तीन ही क्वेश्चन बनते हैं और तीनों क्वेश्चन को मैं एक ही आपके क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, डिफाइन करने वाला हूँ कि इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राज का स्थान बाएं सिरे से, तो ये आपका जो राज है इसका बाएं सिरे से स्थान पहले आपका दिया है 18 और जो कमल है उसका दाएं सिरे से आपका स्थान दिया है कितना 22वां। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राज का स्थान बाएं सिरे से 24वां हो जाता है, ये आपका इतना क्वेश्चन में दिया है। अब हमें पहले तो इसकी पोजीशन बतानी है फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट में हमें क्या बतानी है कि कमल का दाएं सिरे से नया स्थान क्या होगा, दूसरा
पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, सॉरी बीच में कितने व्यक्ति हैं, और तीसरा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कॉन्सेप्ट समझें, बहुत ही इजी है इसका। तो देखें इसकी नई पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो हमें ये देखना ये इससे क्या हो रहा है, इनक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है, तो हम जानते कि प्लस सिक्स हो रहा है, कितना हो रहा है प्लस सिक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें यदि इंक्रीज हो रहा है तो इसमें भी प्लस सिक्स कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कितना 28, कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पे आपका जो इसकी कमल की राइट साइड से नई पोजीशन होगी वो कितनी होगी, 28 होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो पहले का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ये आपका टोटल कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 6 का। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका ये 6 डिफरेंस आया है इसमें हम माइनस 1 करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5, यानी कि दोनों के बीच में कुल 5 व्यक्ति हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या किया है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्रॉस में संख्या लेनी है, किसमें लेना है, क्रॉस में। या तो आप इन दोनों को ले लीजिए या तो आप इन दोनों को ले लीजिए। तो हम इन दोनों को लेते हैं और लेफ्ट और राइट से पोजीशन करते हैं, वही हमारा फॉर्मूला होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्रॉस में लेना है, इसका याद रखना, किस में लेना है, क्रॉस में। तो 24 और 22 को लेंगे और माइनस 1 कर देंगे। और माइनस 1 क्यों करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे आपका जो आएगा टोटल आएगा 46 माइनस 1, टोटल कितना आ जाएगा आपका 45। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया क्वेश्चन। तो चलिए फिर इसी तरीके का क्वेश्चन आप करिए कि एक पंक्ति में राज का स्थान बाएं से, केवल वैल्यू चेंज है नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। तो सर क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में सिर्फ वैल्यू चेंज है, फास्ट इसका आंसर कमेंट करें। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज कर दी है इसमें हमने। तो यहाँ से राज का दिया है यहाँ से 26 और कमल का यहाँ से दिया है आपका 28। पोजीशन चेंज करने के बाद राज का स्थान यहाँ से 34 हो जाता है। तो वही तीनों चीज़ आपको बताना है, जल्दी से आंसर इसका कमेंट करें कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड का और थर्ड का, पूछा तीनों चीज़ें हैं आपसे। तो ये देखें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस 8 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। पहले का आंसर आपका हो जाएगा 36। दूसरा आपसे क्या पूछा है, दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, तो 8 था डिफरेंस, बीच में व्यक्ति निकालना है तो माइनस 1 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7। और तीसरा क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप इसे क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 62, टोटल कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। और 62 में आप क्या करोगे, माइनस 1, तो आपका टोटल आंसर कितना हो जाएगा 61। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 61 बन जाएगा। चलो तो इसका एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो क्वेश्चन देखें सर, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए नेक्स्ट टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में राम का बाएं से 18वां स्थान है जबकि श्याम का दाएं से 16वां स्थान है, तो ज्ञात कीजिए दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। तो यहां पे आप देखें टोटल छात्र दिए हैं 40, ठीक है। लेफ्ट से राम का स्थान दिया है कितना 18, और राइट से कितना दिया है, और राइट से श्याम का दिया है 16। तो आप यहाँ पे देखें 18 और 16 दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना होता है आपका 34।
कितना होता है 34, जबकि कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं भाई 40 हैं, है ना। तो इसका मतलब कि ये क्या होगा, इस तरीके से पंक्ति में क्या राम इधर बैठा होगा और श्याम कहाँ बैठा होगा, इस साइड बैठा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और जितना भी आएगा तो हम इसे क्या करेंगे 40 से माइनस करेंगे, तो आपका टोटल आया था 18 और 16 को ऐड करने पर 34, और माइनस 40 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी कि बीच में कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति हैं। तो इसका जो आपका फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है किस तरीके से, तो कुल छात्र बराबर में लेफ्ट से जिस व्यक्ति की पोजीशन है प्लस बीच में छात्रों की संख्या, बीच में छात्रों की संख्या और प्लस आर, मतलब कि व्यक्ति की राइट से पोजीशन, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूले में आप रखोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। कैसे, देखें यहाँ पे 18 प्लस एक्स और प्लस का ये, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आप इस दोनों को ऐड करोगे तो आपका 34 आएगा प्लस एक्स, यहाँ पे आपका 40, 34 को इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका रैंकिंग टेस्ट का मैंने एक एक टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपको प्रैक्टिस करिए, यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन लिख कर सेंड कर देंगे, तो जैसे ही हम सेटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर लेके आएंगे तो उसमें पहले आपके क्वेश्चन का डाउट क्लियर कर देंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।